नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से मैं नीता देवरिया आपका पुनः स्वागत करती हूँ। ध्यानात्मक आसनों के क्रम में हठ प्रतिपिका में वर्णित जो आज का अभ्यास है वह पद्मासन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं, परंतु स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा जिस पद्मासन का वर्णन किया गया है वर्तमान समय में वह बद्ध पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एक बार देखेंगे किस प्रकार इसकी विधि है। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दाएं पैर को बाईं जंघा के ठीक ऊपर जितना ऊपर आप रख सकते हैं स्थापित कर लेंगे, क्योंकि जो इसकी अंतिम स्थिति है उसमें आपका पैर जितना पीछे की ओर रहेगा आपके लिए इसे पकड़ पाना उतना ही आसान रहेगा। पुनः दूसरे पैर को मोड़ते हुए आप इसी के विपरीत जंघा के ऊपर बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर रख लेंगे। दोनों लेग्स आपके क्रॉस में है इस तरीके से। वर्तमान समय में यही आपका पद्मासन है जो प्रचलित अभ्यास माना जाता है, परंतु जिस विधि हठ प्रदीपिका की जिस विधि का हम वर्णन कर रहे हैं उसमें आप अपने दोनों हाथों को पीछे से इस प्रकार लेकर जाएंगे थोड़ा आगे झुकते हुए, जिससे कि आप अपने पैरों के पंजों को पकड़ सके। धीरे से आगे की ओर झुकेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कमर को खींचते हुए पंजों को पकड़ने का, कमर को सीधा करने का। अंतिम स्थिति में नासिकाग्र दृष्टि व पुनः आप जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। धीरे से जालंधर बंद खोलते हुए आंखें खोलते हुए पुनः आगे की ओर झुकते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में, जैसा कि आपसे मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूं कि वर्तमान समय में यही पद्मासन के नाम से प्रचलित है, परंतु जो अभ्यास मैंने आपको बताया यह हठ प्रदीपिका में वर्णित स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा बताई गई विधि है, जो सभी रोगों को हरने वाला अभ्यास है, मन को एकाग्र करने वाला अभ्यास है। यदि आपके पैरों में लचीलापन कम होता है तो उस स्थिति में आप असहज महसूस करते हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि आप किसी भी ध्यानात्मक आसन का अभ्यास करें तो अपनी सहज अवस्था को देखते हुए अभ्यास करें। आप जब जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं अंतिम स्थिति में, आपने जो अभ्यास देखा था उसमें जो ठुड्डी थी वह हृदय प्रदेश पर इस प्रकार लगी थी, तो आप श्वास अंदर या बाहर की ओर रोकेंगे, जैसा कि आपको पिछले आसन में भी बताया गया था सिद्धासन के अभ्यास में कि आपको श्वास अंदर या बाहर रोक कर जालंधर बंद का अभ्यास करना है। साथ ही साथ इस अभ्यास में आपकी नासिकाग्र दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर थी, जितनी देर आप यह अभ्यास कर सकते हैं करेंगे, पुनः वापस आ जाएंगे। यदि आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए जो वर्तमान समय में प्रचलित पद्मासन का अभ्यास है उसे भी कर सकते हैं, परंतु हठ प्रदीपिका में वर्णित बद्ध पद्मासन का अभ्यास आप कुछ देर के लिए कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास की भी समय अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। यह अभ्यास प्राण ऊर्जा के लिए, ध्यान स्थिति के लिए काफी अच्छा अभ्यास है जो आपके मन स्थिति को शांत करता है।